दो। हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स का एक टॉपिक है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग जानते हैं कोई भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। मान लेते हैं एक चार्ज है, यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे यदि ऑब्जर्व कर रहा है तो देख रहा है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। और चार्ज अगर दी रेस्ट कंडीशन में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट, उसको इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट स्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तभी कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ही अगर दी, थोड़ा सा इस पे अगर दी वेलोसिटी दे दिया जाए, भी वेलोसिटी यदि मूव कर रहा है चार्ज, तो देखा जा रहा है, यही ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये तो जो है वेलोसिटी, भी वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है तो इसके तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, इस डायरेक्शन में इसका जो है मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब है इस पर फोर्स लग रहा है, और फोर्स इस वायर के तरफ लग रहा है। अब ये इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इनसाइड है, ये कर्ल रूल के अनुसार इनसाइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के अंदर में है, इनसाइड ऑफ द बोर्ड प्लेन है, और फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गया, और वही फोर्स है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड में है। तो इस फोर्स को किस तरह से, इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करें, इसके लिए दो रूल है, दो तीन रूल है, बहुत सारे रूल्स हैं। वेक्टर रूल्स हम लगाएंगे, जैसे स्क्रू रूल है, जैसे थंब रूल है, जैसे ये फिंगर रूल है। तो फिंगर रूल में मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ और ये वेलोसिटी हुआ, तो ये फोर्स हुआ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस साइड से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हुआ। इसलिए इसके तरफ मूव करते हुए हम ये ऑब्जर्वर देख पा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वर देख रहे हैं, और जो लिफ्ट में जा रहा है, लिफ्ट का मतलब है वो राइज कर रहा है। जब ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ये लिफ्ट भी जो है अप साइड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को तो दिखेगा कि ये इस तरह से कर्व लाइन होते हुए में जो है अपना पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को दिखेगा जब ये यहाँ है उस समय ये ऑब्जर्वर भी यहाँ पे है लिफ्ट में, तो उसको दिखेगा कि ये डिस्टेंस जो है इस दिशा में जो है मूवमेंट इसका इस दिशा में है, यानी कि मूविंग जो लिफ्ट में जो मूव करने वाले ऑब्जर्वर हैं उसके लिए का उस उसको दिखेगा कि ये जो पार्टिकल है वह करंट के तरफ मूव कर रहा है। तो करंट के तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज मूव करता है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहेगा कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है वेलोसिटी होने के कारण इस पर फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और ये बोलेगा नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही जो है चार्ज जो है मूव कर सकता है। रेस्ट चार्ज यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में था, जैसे ही ये मूव करने लगा तो इसका मतलब ये पार्टिकल इसको दिख रहा है रेस्ट, रेस्ट से जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लिफ्ट वाले पर्सन को ये फील हो रहा है। तो रेस्ट से जो मूव करने लगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसको फील हो रहा है, और ये मूवमेंट यानी वेलोसिटी है, और इसके कारण जो फोर्स लग रहा है तो इसमें फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर रहा है जो रेस्ट कंडीशन में है, और जो लिफ्ट में है वो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कौन सा फोर्स है, ये दोनों ही फोर्स जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं क्यू ई, लेकिन ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है एफ इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी।
इसका मतलब फोर्स जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहा है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है जो होता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर जाता है, यानी कि फोर्स वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर है। वही चीज आपको बताया जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड ऑफ द बोर्ड था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हुआ। अब एक और कंसेप्ट आपको बताया जाए जा रहा है, आपको बता रहे हैं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल या सीबीएसई के जो भी है, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं वो झारखंड के लिए ही आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो लोग थोड़ा ध्यान देते हुए में इसको जो है आप लोग कवर कीजिएगा। अब इसी में इसी के रेस्पेक्ट में देखा गया है कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो ये इस तरह से क्रॉस अगर दी है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड ऑफ द प्लेन है, और अगर दी डॉट है तो इसका मतलब है डॉट अगर दी है डॉट डॉट इस तरह से है तो इसका मतलब है ये आउटसाइड ऑफ द प्लेन है। इसको पहले भी बताया गया था, जैसे एक एरो देखते हैं तो इसका जो है टेल दिख रहा है, टेल दिख रहा है का मतलब एरो जा रहा है, तो जब जा रहा है तो इनसाइड ऑफ द बोर्ड जा रहा है, और अगर दी हेड दिख रहा है तो एरो आ रहा है, इसका मतलब आउटसाइड ऑफ द बोर्ड है। कोई भी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल अगर दे इसमें इन किया तो इस पर फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड ऑफ द प्लेन, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और ये इस तरह से देखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव इन करेगा तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन टेंजेंटली लगेगा, और ये चार्ज पार्टिकल जो है मूव करते हुए एक सर्किल क्रिएट कर लेगा, यहाँ पे ये मूव करते हुए एक राउंड ले लेगा। अब हर डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहाँ भी फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहाँ भी फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी जो है हर जगह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स का डायरेक्शन है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है, इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण यहाँ पे जो सर्किल बनेगा उसका रेडियस आर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आर का वैल्यू क्या है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ थीटा चूंकि एंगल 90 डिग्री है इसलिए साइन 90 का वैल्यू 0 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी और वी कैंसिल हो गया, यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अगर भी पूछ दिया जाए तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बी हैविंग मास एम एंड चार्ज क्यू, तो ये हो गया रेडियस, इस रेडियस पे ये गोल गोल घूमेगा। अब गोल गोल घूम रहा है तो इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसको एक चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो उसका टाइम पीरियड के लिए हम लोग एक चक्कर को काटने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2πr, और इसमें वेलोसिटी कितना है भी है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ही हो गया टाइम, तो डिस्टेंस हो गया ये 2πr, r का वैल्यू हो गया एम वी बाय क्यू वी, और यहाँ पे है भी, तो भी पहले से है, भी और भी कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो गया 2πm डिवाइडेड बाई क्यू वी, यही है टाइम पीरियड, यानी कि एक राउंड लगाने में चार्ज पार्टिकल को इतना समय लगेगा, उसका रेडियस जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है उसका रेडियस ये है। अब है कि इसका टाइम पीरियड के साथ साथ में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो 1 बाई ये हो जाएगा 2πm और बाई क्यू वी, क्यू बी अपसाइड जा जाएगा तो क्यू बी बाई 2πm।
टू पाई एम। तो ये एक फार्मूला आ गया। तो यहाँ से एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ। बहुत सारे फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला से पूछ देगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, रेडियस पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखे, और उसमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर रोटेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। और यही कंसेप्ट जो है साइक्लोट्रॉन में भी जाता है। आपको एक वीडियो साइक्लोट्रॉन के रेस्पेक्ट में दे दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये फिजिक्स का ये कंसेप्ट था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। कभी कभी कुछ यूनिट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या क्या है उसको देखते हैं। पहला है फोर्स ड्यू टू करेंट आई एल क्रॉस बी, एक रिलेशन ये हुआ, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अभी अभी पढ़े एफ इक्वल्स टू क्यू भी बी, भी क्रॉस बी, यहां से एक रिलेशन आएगा। और मैग डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल या फाइव इक्वल्स टू बी ए डॉट, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को वीबर कहते हैं, जिसका यूनिट हो गया वीबर और इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया इस केस में वीबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर ये देखें तो इसका यूनिट होता है न्यूटन और इसका होगा कूलम और मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया। इस केस में अगर ये देखा जाए तो इस केस में इसका यूनिट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और करंट का यूनिट एम्पियर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो वीबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर कूलम, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड अपसाइड में चला जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर, इस टाइप से आएगा। एक आता है टेस्ला, टेस्ला के रिस्पेक्ट में ही, और गॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो है यूनिट टेस्ला भी होता है और गॉस भी होता है, टेस्ला गॉस, वीबर पर मीटर स्क्वायर। ये सभी यूनिट्स हैं, ये सभी यूनिट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया। ये भी यूनिट बन सकता है, ये भी यूनिट बन सकता है। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ भी दे, वहां से आप लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व कीजिएगा। तो छोटे छोटे टर्म्स को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, तभी जो है हम लोग इससे न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं। अब जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फील करना पड़ेगा, फिजिक्स में फीलिंग बहुत जरूरी है। अब फील करते हुए अगर ये जो कंसेप्ट होता है, जो मतलब हो रहा है फिनोमिनन्स, उसको अगर ये सही सही जान जाएंगे तो बाद में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो नंबर से खेलना है। एक रिलेशन हम देखें, उसमें वैल्यू पुट कर दिए, दैट विल गिव द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये फिजिक्स पढ़ने का एक अपना मज़ा होता है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना जो है पढ़ने का स्ट्रेटेजी हम लोग डेवलप करते हैं, तो फिजिक्स पढ़ने का ये अपना स्टाइल है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स के रेस्पेक्ट में नया टॉपिक को लेकर के आएंगे। थैंक यू। बाबू चलो हो गया, ला देखा देखा हमको, कुर्सी दो ना हमको, बोला कुर्सी है तुम रे।